क्या आपको बार बार कब्ज की समस्या रहती है या फिर आप हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं तो आप सूरजमुखी के बीजों का सेवन कर सकते हैं। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोवी टॉक आयुर्वेदा में। आज की इस खास टिप्स में बेहतरीन टिप्स बताया जाएगा और आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। सूरजमुखी के बीज जो है तो इसमें कई औषधीय गुण से भरपूर होते हैं। आयुर्वेदिक में इसे कई बीमारियों के उपचार के लिए इसका इस्तेमाल होता है। दरअसल इन बीजों में विटामिन B6, विटामिन सी और विटामिन ई होता है। साथ ही इसमें कैल्शियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम और फास्फोरस जैसे तत्वों का मिश्रण होता है जो शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा सूरजमुखी के बीजों में फ्लेवोनॉइड्स भी होते हैं जो कि कई बीमारियों में फायदेमंद होता है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि सूरजमुखी के बीज कब खाना चाहिए और इसके फायदे क्या क्या हैं। इस बेहतरीन टिप्स के साथ आपको बताते हैं कि एनीमिया यदि सूरजमुखी के बीजों का सेवन आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। दरअसल सूरजमुखी के बीज आयरन का एक बहुत बेहतरीन स्रोत है और इन बीजों का सेवन हमारे आयरन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। इससे रेड ब्लड सेल्स को बढ़ावा मिलता है और शरीर में खून की मात्रा बढ़ती है जिससे कि जो है तो हमारे चेहरे में ग्लो आता है और हमारी जो स्किन है वो चिकनी रहती है। हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या में सूरजमुखी बीजों का सेवन बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। दरअसल सूरजमुखी के बीजों की फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जो कि खून में LDL कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करती है। सूरजमुखी के बीजों में मौजूद जो नियासिन या विटामिन B3 कुल कोलेस्ट्रॉल के स्तर और हृदय रोगों के जोखिम को नॉर्मल करता है या उसको कम कर देता है। सूरजमुखी के बीजों में विटामिन B5 या पैंटोथेनिक एसिड HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और कुल सीरम कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। इस तरह ये हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। गाउट की समस्या यदि आप जानते हो तो गाउट की समस्या में सूरजमुखी के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर ये गुण आपके गाउट की समस्या को दूर कर सकते हैं यानी कि जो गाउट की समस्या में कारगर तरीके से कम कर सकती है। इन बीजों में सक्रिय टोकोफेरॉल, विटामिन ई, लिनोलेनिक एसिड, ट्राइटरपीन और विविध पॉलीफेनोमिक यौगिक होते हैं जो कि सूजन वाली बीमारियों में कारगर होते हैं। इसलिए गाउट की समस्या में इसे खाना सूजन और दर्द की राहत दिला सकता है। सूजन हार्मोन को बैलेंस करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है और सूरजमुखी के बीज में फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं जो कि नेचुरल तरीके से एस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ावा देते हैं और इसके असंतुलन को संतुलित करता है। खास करके ये एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बैलेंस करता है और महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन की समस्या को दूर करता है। साथ ही ये PCOD की समस्या वाले लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। रखिए कि पानी के बिना बीज को जो बीज के जो फाइबर होते हैं उनमें अच्छे से ज़्यादा नुकसान कर सकता है। अलावा ये कब्ज की समस्या में भी फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें लैक्टेसिव गुण होते हैं जो कि पेट को साफ रखते हैं। खाने का तरीका क्या है तो सूरजमुखी के बीज खाने का तरीका आप जान लीजिए। सूरजमुखी के बीज को आप भिगोकर और ऐसे भी खा सकते हैं। साथ ही आप इन बीजों को अपनी स्मूदी में भी स्मूथ डाइट में भी शामिल घी में मिलाकर खा सकते हैं और हर दिन इसे 20 से 25 ग्राम की मात्रा में इसे आप दिन भर डाइट में यदि शामिल करते हैं तो आपके लिए बेहतरीन होगा। और इन खास टिप्स के साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन टॉपिक के साथ।